नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के जो मैंने जैसा कि आपको दोपहर बताया था कि अभी मैं 3 से 4 बजे के बीच में आपको अपडेट दे दूंगा। अभी 4:50 हो रहा है, मतलब 5 बजने वाला है और केस की अपडेट आ गई है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँच पाए। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन हो तुरंत पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए और आप कोई भी न्यूज़ मिस ना कर पाए। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस, मैंने दोपहर ही आपको बता दिया था कि 70% चांस है कि आपको एक डेट फिर से नहीं मिलेगी और वही हुआ। मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ केवल डेट मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी यूपी में आप कोई भी वैकेंसी देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी नहीं हो रही यूपी में, चाहे वो पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे नलकूप चालक की वैकेंसी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की कोई वैकेंसी ले लीजिए आप, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी ले लीजिए आप, और यूपी पुलिस हम लोग के कोर्ट में चली रहा है, कोई भी यूपी में अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं हुई है और ना ही होगी। 70% मैंने कहा था सुबह ही आपको, 70% चांस है कि आपको एक नई डेट मिल जाए और वही हुआ, बिल्कुल एक नई डेट मिल गई है और वो डेट है आपकी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को आपको फिर से एक नई डेट उनको दी गई है कि आप फिर से आप आइए और फिर हम आपको एक नई डेट देंगे। आपको 1 अक्टूबर को भी आएंगे वो और फिर से एक नई डेट दे दी जाएगी आपको, और फिर से ये पूरा 2018 आपको तारीख पे तारीख में निकल जाएगा। आप देख लीजिएगा 2018 ये आपका पूरा तारीख पे ही निकलेगा। 2018 में ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी। इस दिन पहला केस हुआ था उसी दिन मैंने आपसे कह दिया था कि 2018 आपका अगर केस हुआ इस पे तो 2018 पूरा आपका तारीख पे निकलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें, क्योंकि कोई भी आप यूपी पुलिस की वैकेंसी उठा के देख लीजिए, यूपी पुलिस की जो भी वैकेंसी हुई है अगर वो कोर्ट में गई है तो कम से कम मिनिमम 2 साल लग गए हैं उसको क्लियर होने में, मिनिमम 2 साल, 2 से 3 साल लग गए हैं उसको क्लियर होने में। ये वैकेंसी भी ऐसे ही जाएगी, इतनी आसानी से क्लियर होने वाली नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो अपना पैसा बचाना चाहती है। उसको तो जितना आपने फॉर्म के पैसे दिए वो तो उसने ले लिए ना, गवर्नमेंट ने ले लिए पैसे आपके, जितने भी आपने पैसे दिए फॉर्म के, वो तो पैसा गवर्नमेंट का स्टॉक आ गया और उस पर बहुत सारा ब्याज मिल रहा है गवर्नमेंट का, और आपको अभी पेमेंट तो 1 महीने की भी नहीं मिली, पेमेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, प्रोसेस कोई जारी नहीं हुआ, तो उससे क्या है, गवर्नमेंट का फ़ायदा, आपका कोई फ़ायदा नहीं है, आप बस दौड़ते रहो इधर से उधर। तो अब सिंपल सी बात यह है कि आप जो अगली वैकेंसी है, जो सेंट्रल की वैकेंसी है या किसी अदर स्टेट वैकेंसी है, कोई और वैकेंसी का आप फॉर्म डालो, रेलवे का फॉर्म डालो, उसकी प्रिपरेशन पे आप फोकस करें। ये वैकेंसी आप बिल्कुल अब दिमाग में मत लाइए कि अब इतनी जल्दी ये क्लियर होने वाली है वैकेंसी। खैर 2018 में तो क्लियर नहीं होने वाली, इतना मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 2019 में जाएगी, और 2019 में पता नहीं इसका फैसला आ पाएगा सही से कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिस तरह से तारीख पे तारीख इतनी आसानी से तारीख मिल जा रही है और वो भी 10 दिन का गैप हो जा रहा है, बीच में 10 दिन की तारीख मिली है, आज 24 तारीख है और फिर आपको एक अक्टूबर की तारीख दी गई है। अब मैं, मेरी यही आपसे एकदम सलाह है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल आप जो अलग कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल उस पर फोकस कीजिए, यूपी पुलिस बोल जाइए, इस पर इतनी आसानी से जल्दी एक वैकेंसी क्लियर होने वाली नहीं है। बस इतना ही करना है आपसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँच पाए और वो समझ पाए कि किस तरह से, मतलब कि गवर्नमेंट उनको जॉब देना नहीं चाहती। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट आपको जॉब देना नहीं चाहती है, नहीं तो ये कोर्ट में केस जाने वाला था ही नहीं, ये केस, इसमें एक्चुअली केस भी नहीं करना चाहिए था बच्चों को, इसमें ज़्यादा घोटाला भी नहीं हुआ था, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, इसमें ज़्यादा घोटाला भी नहीं हुआ था। पहली शिफ्ट का दूसरा बता था, दूसरी शिफ्ट का पहला बता था, इसे कोई उतना ज़्यादा पेपर लीक नहीं माना जा सकता, लेकिन अब केस हो गया है तो पूरा पूरा आप 2 साल इंतज़ार कीजिए, 2 साल लगेंगे ही आपको ये केस क्लियर होने में, ये केस इतनी जल्दी क्लियर नहीं होना है। कोई भी यूपी पुलिस की वैकेंसी उठा के देख लीजिए, कम से कम अगर उस पर केस हुआ है तो 2 या 2.5 साल लग गए हैं उसको क्लियर होने में, ये भी हमें लगता है, मैं पूरी सिक्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता लेकिन लगता है कि ये भी केस लटकेगा, पूरा पूरा लटकेगा ये। तो बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।